हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसके साथ साथ आप लोग विंटर का पूरी तरह से मजे भी ले रहे हो। बाय द वे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके कंक्लूजन और साथ साथ हम लोग उनके मेरिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उनके डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम द टॉपिक डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इनके डिमेरिट को जानने से पहले वी हैव टू रिफ्रेश द मेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन आवर माइंड। यानी सबसे पहले हमें इनके मेरिट्स को अपने माइंड में रिफ्रेश रखना होगा, क्योंकि इनके मेरिट्स के आधार पर ही हम लोग इस इनके डिमेरिट को इजिली समझ सकते हैं, इजिली जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, सबसे पहले हम ये जानते हैं रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा। ठीक है, इनके स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, याद रखना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहता है। ठीक है, इसी कारण उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली रूप से इसके चारों ओर मूव करते रहता है। ठीक है, इसी कारण इट सेड टू बी अस्टेबल, इसी कारण इसे अस्टेबल कहा जाना चाहिए। ठीक है, बस इन्होंने कहा अस्टेबल कहा जाना चाहिए। ठीक है, और ये इनका क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। यही बोलकर वो फंस गए। ठीक है, यही उनका क्या हो गया, फर्स्ट डिमेरिट आ गया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो था स्टेशनरी नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टेंटली रूप से मूव करते रहता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहता है, और इसी कारण से अस्टेबल कहा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अस्टेबल कैसे होगा इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, यानी सबसे पहला डिमेरिट इनका क्या होगा, ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, यानी उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, तो सबसे पहला डिमेरिट हम कह सकते हैं यहां पर कि ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर मूव करता है ना। सबसे पहला डिमेरिट क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यानी इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कॉन्स्टेंट रूप से मूव करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। ठीक है, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, आखिर यह पॉसिबल कैसे है, आखिर इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज है ना, हम जानते हैं निगेटिवली चार्ज पार्ट के, जबकि ये जो न्यूक्लियस है ये कहता है पॉजिटिवली चार्ज बढ़ी है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बढ़ी है, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज बढ़ी है। ठीक है, तो जब दोनों अपोजिटिवली चार्ज बढ़ी है तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करना चाहिए, और जब दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के ओर अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट इट, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूअसली मूव कैसे करते रहेगा, जबकि इस पर एक अपोजिटली फोर्स भी काम कर रहा है। ठीक है, इस पर एक अपोजिटली फोर्स भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा भी कि ये निगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और हम जानते हैं कि दोनों चार्ज के बीच, चार्ज बॉडी के बीच एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स को उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पर एक्सर्ट करता है। ठीक है, उन्होंने खुद कहा था कि चूंकि दोनों क्या है, दोनों चार्जेबल है, और चार्जेबल बॉडी के बीच एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उस फोर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। यानी इन दोनों के बीच एक फोर्स एक्सर्ट होता है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, तो हाउ इट इज पॉसिबल टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअसली,
आखिर इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर कांस्टेंट रूप से कंटीन्यूअस रूप से मूव कैसे कर सकता है, ठीक है, जबकि इन्होंने कहा भी कि ये क्या है, अस्टेबल भी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इनका सबसे पहला डिमेरिट जो है वो क्या है, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द अस्टेबिलिटी ऑफ एटम और अस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए दूसरा चीज अब ध्यान दीजिए क्या है इनका दूसरा स्टेटमेंट, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है, किसके चारों ओर मूव कर रहा है, इनके अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने से अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के चारों ओर मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। जबकि हम जानते हैं यहां पर कि बाय द मैक्सवेल साहब के अनुसार हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैक्सवेल साहब के अनुसार हम जानते हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट मूव करता है, ठीक है, अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट मूव करता है, देन इट विल रेडिएट एनर्जी। तो वो अपने एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। और जब एनर्जी लॉस करेगा इट मस्ट बी फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, मैक्सवेल साहब ने क्या कहा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट में काम करता है देन इट विल रेडिएट एनर्जी, ठीक है। और इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, गिवन बाय मैक्सवेल। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में या इसके लॉसिंग ऑफ एनर्जी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट में मूव करेगा तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही, और इसी कारण ये अपने एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और जब एनर्जी को लॉस करेगा देन इट मस्ट बी फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, है ना, मस्ट बी फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में कुछ इंडिकेट नहीं किया, कुछ नहीं बताया कि आखिर यहां पर मैक्सवेल का लगाया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, ठीक है। इन्होंने मैक्सवेल साहब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। चलिए नंबर थ्री, इन्होंने और क्या नहीं बताया, चूंकि हम जानते हैं यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है। अगर हम विंड के अपोजिट में साइकिल चलाएं, ठीक है, अगर जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम साइकिलिंग करेंगे तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, अपने एनर्जी को लॉस कर देंगे। थकने का मतलब क्या है, अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे। और जब हम अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे तो हो सकता है कि हम क्या है, किसी जगह जाकर बैठ जाएंगे या रुक जाएंगे, ठीक है, या मेरा स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी स्पीड कम होने के कारण अपने स्पीड को कम होने के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका स्पाइरल पाथ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटते जाएगा और लास्टली इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम साइकिल चला रहे हैं अपोजिट टू द विंड के अपोजिट डायरेक्शन में तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, थक कर क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या होता है, मूव करते रहता है, कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। जबकि हम जानते हैं यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अगेंस्ट मूव करेगा देन इट विल लॉस एनर्जी, और जब अपने एनर्जी को लॉस करेगा तो इट मस्ट फॉल इन टू द न्यूक्लियस। लेकिन इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि आखिर इलेक्ट्रॉन फॉल करता क्यों नहीं है न्यूक्लियस में, आखिर अट्रैक्शन होता क्यों नहीं है न्यूक्लियस में, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, है ना, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो सोचिए, तो जब कह रहे हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन जो अपने चारों ओर मूव कर रहा है तो यहां पर एनर्जी लॉस करना चाहिए, ठीक है। तो आखिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को मेंटेन कैसे करता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इनका नेक्स्ट डिमेरिट क्या होगा, हाउ इट मेंटेन्स द एनर्जी To revolve around the nucleus के चारों ओर मूव करने के लिए
न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करने के लिए ये एनर्जी को किस तरह से मेंटेन करता है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं बताया है ना, इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या इनका डिमेरिट है, ठीक है। इसके अलावा अब जानते हैं इनका नेक्स्ट डिमेरिट क्या, इनका नेक्स्ट डिमेरिट क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से लाइट, हम जानते हैं यहां पर कि जिस तरह से लाइट अगर प्रिज्म पर पास करता है, जिस तरह से लाइट अगर प्रिज्म से पास करता है, प्रिज्म पर इंसिडेंट करता है, ठीक है, तो ये स्प्लिट अप होकर 7 डिफरेंट कलर में टूट जाता है, मतलब एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मतलब एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर लाइट किसी एटम पर अगर फॉल करता है, अगर उसी तरह से लाइट अगर किसी एटम पर फॉल करता है तो वो भी क्या करता है, कुछ है ना, लाइट को स्प्लिट अप करता है, और लाइट को स्प्लिट अप करने के बाद क्या करता है, वो भी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, वो भी स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में मोस्टली क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, चूंकि हाइड्रोजन मौजूद है मतलब हाइड्रोजन का एटम तो मौजूद होगा, तो अगर इस पर लाइट अगर मान लिया कि हाइड्रोजन एटम पर फॉल करता है तो वो भी क्या करता है स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जब लाइट किसी एटम पर फॉल करता है तो फॉल करने के बाद ये भी क्या करता है, लाइट को स्प्लिट अप करता है, और स्प्लिट अप करने के बाद स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इंडिकेशन नहीं करते, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, अनेबल अबाउट, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक। नंबर नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिए चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से चारों ओर मूव करता है, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पीड होगा, चूंकि इसके चारों ओर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कुछ स्पीड होगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का कुछ स्पीड है, किसी स्पीड से इलेक्ट्रॉन के चारों ओर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन के स्पीड के बारे में भी कुछ इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। यानी इनका मतलब क्या, ही वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से मूव कर रहा है इसके बारे में उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक। अच्छा, अब अभी इन्होंने क्या कहा, अभी मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। जब इनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है, जब इनर्जी को लॉस करेगा तो इट मस्ट बी फॉल्ड ऑन न्यूक्लियस। लेकिन इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं कहा है ना, इसलिए इनका नेक्स्ट मिनट क्या था कि हाउ इट मेंटेन द एनर्जी लेवल, ये अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करता है, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है ना, ये क्या था, रदरफोर्ड साहब का डिमेरिट था। तो मेरा ये कहना है कि अगर मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन को, चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मेंटेन, एनर्जी को मेंटेन कर लिया, मान लेते हैं उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मतलब क्या है कि ये अपनी एनर्जी को मेंटेन कर रहा होगा, ठीक है, चलिए मान लेते हैं किसी तरह से एनर्जी को मेंटेन कर भी रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी को मेंटेन भी कर रहा हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब क्या होगा कि ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है इसके बारे में उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बारे में उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक। चलिए इसके अलावा ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, तो कितने डिस्टेंस पर मूव करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर मूव करता है इसके बारे में उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है, डिस्टल तो अपने टर्न फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, इसके बारे में उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस नहीं बताया, इसके साथ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इंडिकेट नहीं किया, हाउ इट मेंटेन द एनर्जी इसके बारे में इंडिकेट नहीं किया, इसके साथ साथ चूंकि इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लॉस्ट देयर एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड देन इट लास्टली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस के नीचे गिर जाना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है, बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट इट, देखिए इसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इनका सबसे बड़ा जो डिमेरिट था वो क्या था, चूंकि इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन से चारों ओर मूव करता है, ठीक है, लेकिन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि नेक्स्ट डिमेरिट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर कितना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है, कुछ नहीं बताया। चलिए मान लेते हैं और कुछ, चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन से चारों ओर मूव कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। मेंटेन करने का मतलब एक ही है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों मूव कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मतलब एक ही है कि जब कंटिन्यूसली मूव कर रहा था मतलब अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखा होगा, मेंटेन करके रखा होगा, ठीक है। जब मेंटेनेंस करके रखा होगा, अगर अपनी एनर्जी को मेंटेन कर भी लिया, अगर मान लेते हैं मेंटेन कर लिया, ठीक है, तो मेंटेन करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा कुछ अरेंजमेंट, एक डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी वो क्या कर सकता है, वो अपने एनर्जी को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिफरेंट अरेंजमेंट में मौजूद नहीं होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट मौजूद नहीं होगा, तब तक वो अपने एनर्जी को मेंटेन करके नहीं रह सकता, ठीक है। यानी इनका नेक्स्ट डिमेरिट क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट डिमेरिट ये हो सकता है कि ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज किया गया है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन रखा गया है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि रदरफोर्ड वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द, ठीक है, अनेबल टू एक्सप्लेन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन को किस तरह से अरेंज किया गया है, इसके बारे में रदरफोर्ड साहब ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है, ये सब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का डिमेरिट्स है, और इसी कारण जो है एक नया एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया गया, ठीक है। उस एटॉमिक मॉडल को हम क्या कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि हम किसी चीज के डिमेरिट के बारे में बता रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, उसका सोल्यूशन भी हमें को बताना होगा, ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि आपने कैसे कह दिया कि ये गलत है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा। तो चूंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिमेरिट को बोर साहब ने इंडिकेट किया था, इसी कारण बोर साहब ने एक नया एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया, और इस एटॉमिक मॉडल को हम बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहे और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहे, थैंक यू।